भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती आई है कि सरकार को समर्थन देने वाले विधायक, कांग्रेस के कई ऐसे विधायक जिन्होंने कोहराम मचाने का काम किया है, अब धीरे धीरे रुझान आने लगे हैं। बहरोड से आने वाले विधायक के ऊपर संगीन आरोप इस बात के लगे हैं कि विधायक कोटे से जो खेल सामग्री क्रय की गई वो अपने चहितों के खाते के अंदर ही पैसा ट्रांसफर किया गया, और जो एस्टिमेट दिए गए वो एस्टिमेट भी इतने महंगे दिए गए कि मार्केट के अंदर उतनी रेट ही नहीं है। दूसरी ओर सेनेटरी नेपकिन का भी गफला, ये भी एक बानगी है। अगर वास्तविकता के अंदर सरकार जांच कराए तो एक भी विधानसभा ऐसी नहीं बचेगी जिन विधानसभा के अंदर सरकार के नुमाइंदों ने या अधिकारियों ने मिलकर भ्रष्टाचार नहीं किया हो। पूरे भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई सरकार और सरकार के नुमाइंदे फिर इस बात को जिक्र करते हैं कि मेरी सरकार पारदर्शी है, मेरी सरकार संवेदनशील है और मेरी सरकार जवाबदेही है। ना ये सरकार पारदर्शी है, ना ही सरकार जवाबदेही है और ना ही ये सरकार संवेदनशील है। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। और आवश्यकता इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि अभी तो खेल सामग्री और सैनिटरी नेपकिन की बात आई है, अगर वास्तविकता के अंदर जांच करोगे तो माइनिंग अलॉटमेंट से लेकर, भू अलॉटमेंट से लेकर और कई ऐसी चीज़ें जो राजस्थान की प्राकृतिक संपदा की थी उनको भी खुर्द बुर्द किया गया।